समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने और जन भागीदारी के माध्यम से इसे हासिल करने का आह्वान किया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस दिशा में पिछले एक दशक से किए गए लगातार प्रयासों के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे बेहतर स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए सम्मानपूर्वक जीवन, स्कूलों में छात्राओं की बढ़ती उपस्थिति, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी तथा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव हो पाया है। 2017 से महात्मा गांधी को उनकी जयंती 2 अक्टूबर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्वच्छ भारत दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तभी से हर वर्ष 2 अक्टूबर से 15 दिन पहले से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज हम स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल पर परिचर्चा करेंगे। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में आप अपने सवाल स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत अभियान के मिशन डायरेक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की निदेशक अनीता मीणा। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्टूडियो के फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2-3-3-1-4-4-4-4 और 2-3-4-2-1-0-5-0। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 0-1-1 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9-2-8-9-0-9-4-0-4-4 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @IRNewsAlerts पर भी #AskIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीवास्तव जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के पीछे की कहानी क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में शुरू किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आप सभी के श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि 1981 में जब सेंसस का पहली बार जब हम लोगों ने देखा और उसमें सैनिटेशन कवरेज का हम लोगों ने मूल्यांकन किया तो पाया गया कि सैनिटेशन कवरेज उस समय मात्र 1% था। तदुपरांत भारत सरकार ने स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और हम लोगों ने देखा 1984 में पहली बार सेंट्रल सैनिटेशन प्रोग्राम चला, फिर उसके बाद टोटल सैनिटेशन कैंपेन आया, बाद में निर्मल भारत अभियान आया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब 2014 में हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत की उस समय देखा कि पूरे भारत में सैनिटेशन कवरेज करीब 40% था और उस समय भारत पूरे विश्व में खुले में शौच करने वाले लोगों का पूरे लोड का 60% लोड भारत में था। यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग खुले में शौच कर रहे थे तो उसमें से 60 लोग भारत के थे। तो इस परिवेश में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना का सृजन किया गया और हम लोगों ने व्यवहार परिवर्तन को और जन भागीदारी को इसमें बहुत अहम भूमिका दी और इन्हीं दो बिंदुओं का खास परिणाम है जो स्वच्छ भारत मिशन इतने कम समय में इतने अच्छे परिणाम दे सका। स्वच्छता ही सेवा अभियान क्यों आरंभ किया गया? जैसे हमने कहा कि व्यवहार परिवर्तन और जन भागीदारी ये दो प्रमुख स्तंभ हैं पूरे स्वच्छ भारत मिशन के और हम लोग हर साल यही जनमानस से वापस जुड़ते हैं, इसी जन भागीदारी को पुनः आह्वान करते हैं कि इसी जन भागीदारी ने स्वच्छ भारत मिशन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये हम लोग का तरीका है पुनः हर जनमानस से जुड़ने का, स्वच्छता को पुनः एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करने का और लोगों का जुड़ाव स्वच्छता से सुनिश्चित करने का, तो जन आंदोलन बनाने का। बिल्कुल अनीता जी, स्वच्छता ही सेवा अभियान की इस वर्ष की थीम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि स्वच्छता ही सेवा अभियान हमारे देश के लिए एक खास पहल है।
हर साल 2017 से हम एक नई थीम के साथ ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चला रहे हैं। और इस साल का जो सर ने बताया कि हम लोग हमेशा से जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लाते हैं, हमारा इस वर्ष का थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, यानी कि सेवा के साथ साथ हमारे व्यवहार में हमारे स्वभाव में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता स्वच्छता के प्रति चेतना सुनिश्चित की जाए कि हर व्यक्ति हर भारतीय नागरिक इस पहल के साथ में स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाने के लिए अपना क्या कहते हैं स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने में हमारा साथ दे सके। और हमें अपनी आदतों में अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा जो हमें स्वच्छ भारत के हमारे सपने की तरफ आगे बढ़ाए। और इस साल का ये जो थीम है इसीलिए हमने सोचा है कि हर बार की तरह हम डोर टू डोर कैंपेन करें और नए नए तरीकों से इनोवेटिव तरीकों से पब्लिक की भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले हैं मोहन पासवान जी दरभंगा बिहार से। जी मोहन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। स्वच्छता तो प्रत्येक आदमी के तन मन से ही शुरू होना चाहिए, उसके बाद आसपास और राज्य देश की स्वच्छता आता है सर। तो कैसे तन मन आसपास देश राज स्वच्छ होकर स्वच्छ समाज और स्वच्छ भारत बन सकता है सर? दूसरा है कि सर स्वच्छता और जागरूकता से ही किसी भी बीमारी महामारी को रोका जा सकता है सर। बिहार में डेंगू से बच्चे और बुजुर्ग मर रहे हैं सर, किस प्रकार से बच्चों और अन्य बुजुर्गों का लोगों का मरना रुकेगा सर? तीसरा है सर कि सर्वोत्तम स्वच्छता और सर्वोत्तम स्वच्छ भारत बनाने के लिए समाज और सरकार को स्वच्छता संबंधी किस तरह के विचार और कदमों से उठाना चाहिए सर और मैडम पूरे देश भर में? कई सवाल हैं इनके, हम लोग प्रयास करेंगे इनके मोहन पासवान जी का जवाब देने के लिए। पहला उनका था कि आदमी आम आदमी इस स्वच्छता से कैसे जुड़ सकता है। इस बार हम लोगों ने देखिए कल से स्वच्छता ही सेवा हर राज्य में हर जिले में हर कस्बे में रोल आउट होगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अगर अपना श्रमदान करना चाहते हैं तो हम लोगों ने इस बार श्रमदान इकाई या स्वच्छता लक्षित इकाई की परिकल्पना की है। हम लोगों ने कहा है कि जिला प्रशासन या ब्लॉक प्रशासन पहले से गंदे जगहों को जो जहां सामान्य सफाई नहीं होती है ब्लैक स्पॉट जिसे कहा जाए या जहां पर पर्याप्त सफाई नहीं होती है और जहां पर बहुत कूड़ा रहता है उनको वो पहले से चिन्हित करेंगे। इस बार हम लोगों ने एक बहुत भयंकर विकसित आईटी पोर्टल विकसित किया है जिसमें पहले से सभी प्रशासन अपने ब्लैक स्पॉट्स या स्वच्छता लक्षित इकाई को चिन्हित करेंगे। तो लोग अपने पोर्टल पर जाएं swachhtahisewa.gov.in, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पंचायत में आपके प्रखंड में कहां पर सबसे नजदीक वाला श्रमदान का स्पॉट है या कौन सा सबसे नजदीक वाला इवेंट क्रिएटेड है जहां पर आप जाकर अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। दूसरा प्रश्न मोहन पासवान जी का था कि हम लोग बीमारी से कैसे बचें। तो देखिए इन सब में स्वच्छता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम लोगों को अपना घर साफ रखना होगा, हम लोगों को अपना घर के बाहर की इलाके को सफाई रखनी होगी, हम लोगों को स्वच्छ जिसे कहा जाए स्वच्छ स्वभाव का अपने दैनिक जीवन शैली में अंगीकृत करना होगा। बहुत छोटी सी चीज है हैंड वॉशिंग, बहुत ही हम लोग हर बच्चे को सिखाते हैं कि हर बार खाने से पहले हैंड वॉशिंग करिए, लेकिन हम लोग को ताज्जुब होता है कि अभी भी बड़े बड़े लोग कई बार खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर, इसीलिए इस साल का थीम बहुत सोच समझ कर रखा गया है स्वभाव में स्वच्छता संस्कार में स्वच्छता। अगर आप अपने स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता ले आएंगे तो धीरे धीरे आप जो जनमानस जो बीमारी से ग्रसित होता है इन सब से भी हम लोग निजात पा सके। कहते हैं कई बीमारियां सिर्फ हाथ धोने से ही दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके पास नहीं फटकेंगे बीमारियां अगर आप हाथ धो के खाना खाते हैं। आप पोर्टल का नाम एक बार फिर से बता दीजिए श्रोताओं को। swachhtahisewa.gov.in। हमारे अगले श्रोता हैं रवि हरिद्वार उत्तराखंड से। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले लवली निगम जी को कहना चाहता हूँ
अच्छी, मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती है, समाचार मैं सुनता हूँ। रवि जी मैं कनकलता बोल रही हूँ। हाँ जी मैं जानता हूँ मैम, मैं आपके ये समाचार बड़े ध्यान से सुना। मैम मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि स्वच्छता अभियान आपके का टॉपिक रखता है पब्लिक स्पीच में, मैं जानना चाहता हूँ मैम कि क्या मैं अपने स्तर से क्या इसमें योगदान दे सकता हूँ, और मैं जहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करता हूँ तो क्या वहाँ पे भी मैं कुछ इसका सहयोग कर सकता हूँ। जी आपके सवालों, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो अभी भी जीजेंद्र ने आपको बताया है, पर अनिता जी भी कुछ बताएंगे आपको इस बारे में, आप किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। रवि जी जैसा कि सर ने बताया, पोर्टल पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपके आसपास के शहर में, जिस भी शहर से आप बात कर रहे हैं, उसमें स्वच्छता लक्षित इकाइयां कितनी चिन्हित गई हैं, की गई हैं, और आप अपना श्रमदान वहां जाकर प्रदान कर सकते हैं उस स्थान को, उस इकाई को साफ रखने में। और दूसरा, एक आपके लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए, जैसे कि हम अपना प्रतिदिन अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से छोटी छोटी आदतें कि खुले में कचरा ना फैलाएं, कोई भी चीज ऐसी हो जो आपके आसपास के वातावरण को गंदा करे उसको आप कम से कम प्रयोग करें, आप सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे सामानों को ना यूज करें, बल्कि दूसरे लोगों को भी समझाएं, बाकी लोगों में भी चेतना लाएं कि जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जो आपके आसपास के वातावरण को गंदा करते हैं, उन सब चीजों को अपने स्तर पर, ये तो हो गया आपका एक पर्सनल लेवल पर, आपके इंडिविजुअल में अपनी आदतों को और आसपास जहां पर भी आप देखते हैं उनको भी समझाएं। अभियान के तहत जो इस साल की जो हमारी स्वच्छता लक्षित इकाई का हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन हम सोच रहे हैं, उसमें आप जरूर जुड़े जाकर, आपके आसपास बहुत सारी इकाइयां चिन्हित की गई हैं, आप पोर्टल पर जरूर देखें। और दूसरा, बहुत सारी मेगा क्लेनलीनेस ड्राइव्स भी होंगी जिसमें श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई, जनरल क्लेनलीनेस जिसको बोलते हैं, वो भी की जाएगी जैसे हमने पिछले साल किया था। और तीसरा, आपके यहां पर भी बहुत तरीके की एक्टिविटीज होंगी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, मैराथन हो सकता है, ह्यूमन रैलीज हो सकती है, साइक्लोथॉन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके शहर में क्या क्या गतिविधियां टेकअप की जा सकती हैं। इस साल हमने एक और जोड़ा है, इस साल एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया हुआ है, इस साल इस कैंपेन में वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी आप शामिल करें, आपके जितनी भी आरआरआर एक्टिविटीज हैं उनमें आप शामिल हों, स्वच्छता की प्लेज लें, अपने ऑफिस के एरियाज को, अपने क्या कहते हैं गांव मोहल्ले के एरियाज को सफाई करने में जैसे भी आप योगदान दे सकते हैं, न केवल आप बल्कि अपना परिवार, आपके जो मित्रगण हैं, जो जिस तरीके से उसमें क्या कहते हैं जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए कि अभी तक पूरे भारत में 11 लाख से भी ऊपर ऐसे इवेंट्स को पोर्टल में सृजित किया जा चुका है और ये संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाएगी। और मैं तो सबसे पहले अनुरोध करूंगा सभी श्रोताओं से कि क्या आपने स्वच्छता की शपथ ली है कि नहीं। हम लोगों का वेबसाइट पर स्वच्छता का शपथ है, मेरा अनुरोध होगा हर नागरिक से, हर श्रोता से, कृपया जाएं, आप स्वच्छता का शपथ डाउनलोड करें और सबसे पहले खुद शपथ लें स्वच्छता का, और अपने अगल बगल के, अपने परिवार वालों को, अपने गांव मोहल्ले के लोगों को, अपने कस्बे वालों को स्वच्छता का शपथ दिलाएं। अब स्वच्छ शहर इंदौर से मालिक श्रोता है अनिल जी। अनिल जी क्या जानना चाहते हैं आप? लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान नहीं हो पाया है या तो वहाँ की जनता बराबर सहयोग नहीं दे रही है, तो जो ग्रामीण जनता है वो अपने योगदान स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार से दे सकती है, ग्रामीण भारत के लोग किस तरह से योगदान दे सकते हैं स्वच्छता में? देखिए इस बार मुख्यतः हम लोग का स्वच्छता ही सेवा तीन स्तंभों पर है। पहला स्तंभ है संपूर्ण स्वच्छता, जिसमें हमने कहा स्वच्छता लक्षित इकाई और साथ साथ श्रमदान है। दूसरा स्तंभ है हम लोगों का स्वच्छता में जनभागीदारी, जो बेसिकली पब्लिक एडवोकेसी या अवेयरनेस की बात करती है। और तीसरा है हमारे जो स्वच्छता के महानायक हैं, हमारे सफाई मित्र हैं, उनके शिविरों, उनको, उनके लिए सुरक्षा शिविरों का आयोजन। तो इन तीनों चीजों में हर भारत का नागरिक, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, वो अपने अपने प्रशासनों से संपर्क करें, अपने पोर्टल पर जाएं। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था रखी है कि हर चीज हम लोग का इस बार पोर्टल पर उपलब्ध है, आप जाएं देखें कि कौन सी अच्छी इवेंट आपके आसपास है और उसमें अपना योगदान दें।
जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल पर परिचर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत अभियान के मिशन डायरेक्टर जितेन्द्र श्रीवास्तव और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक अनीता मीणा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। जितेन्द्र जी, अभी आपने सफाई मित्र की बात की थी। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आम लोगों को तो जोड़ा गया है और दिशा में काफी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इस कार्य में जो तत्परता से लगे हुए हमारे अनुबंधित सफाई कर्मी, उनके कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, इस साल हम आपको बता दें सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा शिविरों का आयोजन, जिसको हम लोग डिग्निटी कैंप का भी नाम देते हैं, ये उन महानायकों के लिए है जो रोज स्वच्छता से जूझते हैं, जो हम लोगों को स्वच्छ रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि समाज और वातावरण स्वच्छ रहे। तो ये पखवाड़ा उनके नाम समर्पित है, ताकि हम लोग उनको भी ध्यान रखें, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ताकि उनकी जो सेवाएं हैं उनका भी फेलिसिटेशन होना चाहिए। तो इन सुरक्षा शिविरों में हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि एक, उनका हम लोग हेल्थ चेकअप करवाएंगे उनके और उनके परिवारजनों का, और सिर्फ हेल्थ चेकअप नहीं कराएंगे, हम लोग ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि साल भर उनको या उनके परिवार वालों को अगर स्वास्थ्य की कोई भी समस्या हो तो उससे हम लोग उनका निजात दिलवा सकें। दूसरा है कि वो लोग बहुत अनहाइजीनिक वातावरण में काम करते हैं विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो दूसरा हम लोग का अटेम्प्ट है कि हम लोग उनको पीपीई किट्स उपलब्ध करवाएं, ताकि उन लोग का जो जीवन शैली हो वो थोड़ा आसान हो सके। तीसरा, भारत सरकार और राज्य की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिनसे उनको भी इच्छादित होना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में या प्रयास के अभाव में कभी कभी वो लोग इससे छूट जाते हैं। तो हम लोगों ने भारत सरकार की ओर से कुछ प्रमुख योजनाओं को चिन्हित किया है, और हम लोगों ने राज्य सरकारों से अपेक्षा की है कि वो लोग राज्य सरकार की भी योजनाओं को भी चिन्हित करें और इन सभी तमाम योजनाओं से इन सफाई मित्रों को लैस करें। अब हम छोटा सा उदाहरण देंगे, आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, नरेगा का जॉब कार्ड हुआ, पेंशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, आपका आय प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ये तमाम चीजें हैं जो हर आदमी को रोजमर्रे के जीवन जीने के लिए आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड है, जनधन बैंक अकाउंट है। तो इन तमाम योजनाओं से कम हमारे सफाई मित्र लैस रहें, इच्छादित रहें, यह हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे बहुत गर्व के साथ ये हम बताना चाहेंगे कि अभी तक पोर्टल में करीब 63,000 सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का प्लानिंग हो चुका है, और हम लोग का अनुमान है कि 50 लाख से ऊपर सफाई मित्र इस दौरान इच्छादित होंगे, जो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पंजाब अमृतसर से राकेश हैं फोन लाइन पर। हेलो जी राकेश जी, बोलिए जी। सबको पहले तो प्रणाम, चरण वंदना, सबको नमस्कार। और कल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीर्घायु की। तो मेरा सवाल ये है कि जो समाज सेवक हैं इस काम में लगे हैं, मैं समाज सेवक हूँ, मीडिया से भी हूँ यहाँ पे, और हम 2400 घंटे काम करते हैं, तो बहुत पानी बर्बाद होता है। मैंने कई वीडियोज भी बनाए हुए हैं, 2400 घंटे जब से सरकारी पानी आता 2400 घंटे पानी बर्बाद होता, किसी को दर्द नहीं है। जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो देखते हुए भी नहीं देख पाते भी कि ना ये बर्बाद हो रहा, किसी को बचाया जाए पानी को। और दूसरी बात ये है कि टूटियां खराब हैं, वो कोशिश करने पर भी बंद नहीं होती हैं। तो ये प्रशासन जो है सोया हुआ है पूरे भारत में, ये यहाँ की नहीं हर जगह की तस्वीर है। और हमारे यहाँ पे गंदगी बहुत है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, और जो पेड़ लगाते हैं वो मात्र फोटो खिंचवाने के लिए पेड़ लगाते हैं, उसका कोई देखभाल नहीं होता है। मैं जब इनकी कई शिकायतें हैं, देखिए स्वाभाविक है, जहां काम होता है कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ समस्याएं भी रह जाती हैं। ये जो उन्होंने समस्याएं उठाई हैं ये जेन्युइन है, कई जगहों पर इसकी समस्याएं हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग देखते हैं।
समानता हर प्रशासन का प्रयास रहता है कि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम रहे, तो चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो पीने के पानी का हो, हर राज्य सरकार, हर जिला प्रशासन इन सिस्टम्स को विकसित करती है और इनके माध्यम से काम कराती है। मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग जब भी इस टाइप की समस्याएं देखें, हर जिले में, हर राज्य में ऐसे ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स हैं, उनमें अपनी शिकायत दर्ज करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन शिकायतों का शीघ्र ही निपटारा होगा। जन भागीदारी को इस अभियान में बढ़ाने के लिए अनीता जी सरकार जो है सिटीजन्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स को भी अपने साथ जोड़ रही है, तो उनका रोल किस तरह का रहता है, क्या करते हैं वो? देखिए, हम इसमें अभी जैसे 13 तारीख को माननीय मंत्री शहरी एवं आवास एवं माननीय जल शक्ति मंत्री दोनों ने कर्टन रेजर इवेंट दिल्ली में आयोजित हुआ, तो हमने अभी कुछ नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल स्वच्छ एंथम जो इस साल का हमारा स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के लिए, वो हमने रिलीज किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सभी ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और जो बाकी लोग होते हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो रिपोस्टिंग चल रही है, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखेंगे, और जितने भी क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं वो लोग खुद से आकर क्या कहते हैं इसमें जुड़ते हैं। पिछले साल भी बहुत लोगों ने हमें इसमें योगदान दिया था और इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी, तो हम लोग अपने अपने लेवल पर उनसे अनुरोध करते हैं, उनको जोड़ने के लिए अपील करते हैं, तो वो लोग और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो खुद अपनी इच्छा से बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम को आगे से आगे ले जाके बढ़ाते हैं। पिछले साल 1 तारीख 1 घंटा वाला जो हमारा प्रोग्राम था, आप सभी ने देखा, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जन भागीदारी का ऐतिहासिक एक समारोह था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लगभग 9 करोड़ भारतीय नागरिकों ने श्रमदान किया, तो इसी तरीके से सारे इसमें सभी इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स और जो हमारे जो सोशल मीडिया के साथी होते हैं उन सबका बहुत अहम रोल होता है। अभी हमारा जो ये जो एंथम हमारा रिलीज हुआ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का, उसको सुनिधि चौहान जी ने गाया है, उन्होंने खुद अभी अपना क्या कहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको स्टोरी में पोस्ट किया, तो उससे बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं और उसको बहुत ज्यादा लोग फॉलोअर्स बहुत होते हैं, तो इस तरह से ये ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक, लोगों तक पहुंचेगा ये अभियान। संजय है हरियाणा से। जी संजय जी नमस्कार, मैं संजय बात कर रही हूँ। जी बोलिए जी। मेरा एक दो सुझाव है। पहले सुझाव तो एक है कि जिस तरीके से सरकारें काम करती है राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर, वैसे एक नीति ऐसी हो अगर स्वच्छ मिशन पे काम करने वाली, जो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर उनकी ब्रांचेज वगैरह हो और वो ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी तय करे और वगैरह जैसे देख रहे कि हर ग्राम की महीने महीने में जैसे है ना, उनको फिर जवाबदेही तय करे ग्राम प्रधानों की निचले लेवल पर, क्योंकि हमारे नियम तो बना दिए जाते हैं लेकिन ईमानदारी से उसकी पालन नहीं किया जाता है। नहीं, ये आप लोग को सबको बता दें कि स्वच्छता और पेयजल दोनों ही राज्य सरकार के परिधि में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों ही क्षेत्रों में पंचायतों की बहुत ही अहम भूमिका है। चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो पेयजल हो, इसमें ग्राम पंचायतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भले ही कुछ जगहों पर जो एसेट्स बनते हैं वो हो सकता है पंचायतों ने नहीं बनाए हों, लेकिन भारत सरकार की ये स्पष्ट मंशा है कि जितने भी संरचनाएं बने, चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो पेयजल में हो, उस पर स्थानीय ग्राम पंचायत का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन समय समय पर होता रहे, और इसी परिवेश में ग्राम के प्रधानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छता को सुनिश्चित करने का। हमारे एक श्रोता अमित कुमार ने व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है, व्हाट कैन बी डन टू कीप पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन, एवरीवेयर इन अवर कंट्री पब्लिक टॉयलेट्स आर डर्टी, कैन वी नॉट इंस्टॉल सम मैकेनाइज्ड रोबोटिक सॉल्यूशंस टू इंश्योर क्लीनलीनेस एट दीज प्लेसेस। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है एंड इससे हम लोग भी अभी जूझ रहे हैं, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स हों, चाहे वो कम्युनिटी टॉयलेट्स हों, उनकी फंक्शनैलिटी और उनका जो रखरखाव है वो सुनिश्चित करने के लिए सब जगह प्रयास जारी हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला तो हम लोग कहते हैं कि पंचायतें इसका पर्यवेक्षण करें और यूजर चार्जेस अगर लेवी कर सकें तो वो जरूर लेवी करें, उससे थोड़ा हद तक फंक्शनैलिटी
सुनिश्चित होती है। दूसरा, हम लोगों ने सुझाव दिया है कि इनके परिसरों को किसी आर्थिक इकाई से जरूर जोड़ा जाए। जैसे इनका परिसर है, वहां पर अगर दुकान चला दी जाए तो उस दुकान के रेंट से उस पब्लिक टॉयलेट का आसानी से रखरखाव रखा हो सकता है। कई जगहों पर जैसे केरला में हमने देखा है कि वहां पर कैफे वैफे खोल दिए गए हैं, तो उस कैफे से जो आमदनी आती है उससे वो पब्लिक टॉयलेट मेंटेन होता है। तो इसी तरह से स्थानीय समुदाय को कहीं पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दिया जाता है, कहीं पर मार्केट एसोसिएशन को दिया जाता है। तो कई जगहों पर संस्थाएं सामने आती हैं और इन टॉयलेट्स की जिम्मेदारी लेती हैं। जहां ये होता है वहां पर आपको ये समस्याएं नहीं हो पाती हैं। लेकिन हाँ, ये हम महसूस करते हैं कि कुछ जगहों पर यह समस्याएं हैं, तो यहां पर समुदाय को, स्थानीय समुदाय को आगे आकर इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सर ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। बस मैं इसी में एक चीज, जैसे हम लोग जो अभी आपने पूछा ना कि हम ये अभियान जो इस साल का हमारा कैंपेन है हम क्यों कर रहे हैं, देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पब्लिक में अवेयरनेस। हमारे अगर कम्युनिटी टॉयलेट और जो पब्लिक टॉयलेट है उनको हम एसबीएम एसेट बोलते हैं, वो हमारे एक तरीके से एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं इस अभियान के तहत। तो इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भागीदारी होगी वो सबसे पहले पब्लिक की होगी कि उन एसेट्स को सही से इस्तेमाल करना, उनके साफ सफाई का जिम्मेदारी हमारे सफाई कर्मचारियों की तो है ही, लेकिन सबसे पहले यूजर्स को भी सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है कि उनमें भी वो एक आदतें अच्छी डेवलप हों कि उनको अच्छे से मेंटेन करने में, क्लीन करने में वो पूरा अपना सहयोग दें। वाराणसी से हमारे एक श्रोता हैं बाला खेंदा जी। जी बालाजी, अपना सवाल पूछिए। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार और हम बधाई देते हैं आकाशवाणी परिवार को और भारत सरकार को भी कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं वाराणसी से हूँ, डॉक्टर बाला लखेंद्र, मैं विश्वविद्यालय में हूँ और ये वाराणसी है आज एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और जी, जी। पूरा फोकस है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो एक पब्लिक स्पीकिंग की बात है, हमारे यहाँ पान खाने की परंपरा है लेकिन हम जहाँ भी लोग मन करता है वहीं थूक देते हैं जी, गाना भी विदेशी यात्री आते हैं तो वो भी इसे बहुत बुरा मानते हैं, तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर या फिर हम कहाँ इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक और अभी गंगा के प्रति जो गंगा निर्मलीकरण स्वच्छता के लिए बहुत काम हुआ है लेकिन अभी भी गंगा के किनारे लोग स्नान करते हैं साबुन लगाते हुए और जो पूजा के बाद जो चीजें हैं वो उसी में विसर्जित कर देते हैं, तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम क्या कर सकते हैं और कहाँ हम कंप्लेन कर सकते हैं। बालक इंदिरा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वाराणसी अपने आप में जो गंगा के किनारे हमारे जो शहर स्थित हैं उनमें से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले शहरों में से एक है। और आपके सवाल में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर स्वयं देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में किस तरीके से परिवर्तन आया है, स्पेशली जो 10 साल में वाराणसी का जो कायाकल्प हुआ है, आप खुद उसको देखकर मुझे यकीन है कि आप इसको समझेंगे कि जो आपने अभी जो बातें कही उनमें बहुत ज्यादा फर्क आया है। हाँ, अभी स्पिटिंग का और रेड स्पॉट्स का परेशानी अर्बन शहरों में है लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत सुधार हुआ है। और आपने जैसा कहा कि आप एक समाज सेवक हैं तो हमेशा देखिए जो सफाई है, स्वच्छता है या स्वच्छ भारत अभियान है, ये हमेशा एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से ही हम इसको, इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। सरकार अपना सहयोग देती है लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक का सहयोग सबसे ज्यादा अपेक्षित है। तो एक सजग नागरिक के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगी और जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया करके अपने आसपास के अपने शहरों को अपना मान सम्मान से जोड़ें कि आप जिस शहर में रहते हैं वो आपका मान है, तो उसको साफ रखने में अधिक से अधिक सहयोग दें। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत अभियान के मिशन डायरेक्टर जितेन्द्र श्रीवास्तव और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक अनिता मीणा, आप दोनों का स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।